सब टीवी के फेमस कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभा चुके एक्टर गुरुचरण सिंह के लापता होने की खबर से पिछले 5 दिनों में उनके घर, उनके आसपास और परिवार से लेकर सीरियल के सेट पर तक काफ़ी हाहाकार मचा। ऐसे में उनके चाहने वाले अब भी उनके लौट आने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से गायब बताया जा रहा है और दिल्ली पुलिस ने तो किडनैपिंग केस भी दर्ज कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार गुरुचरण सिंह को एयरपोर्ट के पास देखने के बाद, ऐसे में गुरुचरण सिंह आकाश सोढ़ी की पूरी संपत्ति के बारे में हमारे इस रिपोर्ट में बात इसलिए हम करेंगे क्योंकि पुलिस ने ये भी खुलासा किया कि कुछ ट्रांजैक्शंस को लेकर हैरानी हो रही है। ट्रांजैक्शंस के भी जांच हुए हैं और लापता होने से पहले गुरुचरण सिंह ने जो ट्रांजैक्शंस किए थे और जो चीज़ें मिली है उसे पुलिस अटपटी बता रही है। खैर, एक्टर के कई दिनों से लापता होने से अभी तक उनके सही सलामत लौटने का जो इंतज़ार है, सवाल ये भी है कि जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में सोढ़ी के किरदार में थे, उन्हें शो में अपने बकाया पैसों को लेकर भी चिंता थी। 2021 में इस शो को उन्होंने अलविदा कहा। चलिए जानते हैं आखिर उन्होंने शो के जरिए कितनी संपत्ति इकट्ठा की। रोशन सिंह सोढ़ी के नाम से गुरुचरण सिंह को शो में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता मिली। काफ़ी पुराने किरदार रहे इस शो में, वो पहले भी शो को छोड़ने के बाद दोबारा इस शो से वो जुड़े थे फैंस डिमांड की वजह से। खैर, 65,000 से 80,000 रुपये चार्ज करते थे वो इस शो में एक एपिसोड के लिए। शो को छोड़ने के बाद वो क्या करते थे, सवाल ये भी उठता है। खैर, यहाँ आपको बता दें, खास तौर पर गुरुचरण सिंह को लेकर रिपोर्ट्स कहते हैं कि कुल संपत्ति उनकी लगभग 1 करोड़ रुपए थी। जी हाँ, इस शो के ही जरिए वो करोड़ों रुपए कमा चुके थे। नेक्स्ट 9 लाइव स्मृति की रिपोर्ट।